ILCPL Apurva Sawant from Sate College NCC Unit 8 Maharashtra Girls Battalion Mumbai 8 Maharashtra. अभी मैं आपको परमवीर चक्र सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाली की शौर्य गाथा बताने जा रही हूँ. कलम अर्जुन की जय बोल, जो चढ़ गए पुण्य वीरी पर बिना लिए गर्दन का मोल. कलम अर्जुन की जय बोल. सन 2001 में जब ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल यानी सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल इनके पिता अपनी बस से लाहौर उतरे तो उनका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद थे पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ब्रिगेडियर नासिर जी. नहीं, ये कोई सरकारी औपचारिकता वाली भेंट नहीं थी. दरअसल ब्रिगेडियर खेत्रपाल का जन्म लाहौर के पास ही सर्वोदय में हुआ था और वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ही पढ़े हुए थे. 71 वर्षीय ब्रिगेडियर कई सालों से अपने जन्मस्थान जाने की सोच रहे थे. एक संयोग से उसी साल गवर्नमेंट कॉलेज ने अपने पूर्व छात्रों के लिए हिंदुस्तान में बसे अपने पूर्व न्योता दिया गया, जहाँ महज न साल पहले कारगिल में हिंदुस्तान पाकिस्तान की सेनाएं भीषण युद्ध कर रही थी. आज 19 सेनाओं के दो ऑफिसर लाहौर में गले मिल रहे थे. ब्रिगेडियर खेत्रपाल के लिए पाकिस्तान आज उनकी जन्मभूमि था. वो वह मुल्क नहीं था जिसके खिलाफ युद्ध में 30 साल पहले अपना बेटा खोया था. जी हाँ, उनका 21 साल का बेटा अरुण खेत्रपाल होनहार विश्वास. अरुण बचपन से ही मैदानी थे. 12वीं पास करते ही उनका IIT और NDE दोनों में भी चयन हो गया था. अब ये 60 के दशक की बात है जब ग्रेजुएट होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी. ऐसे में IIT जैसे संस्थान में पढ़ने का मौका भले कौन छोड़ता, मगर अरुण के जीवन में उनका उद्देश्य साफ हो चुका था. सन 65 की लड़ाई में शहीद हुए परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट अर्धशीर तारापुर को अपना आदर्श मान चुके थे. और एक दुर्लभ संयोग से अरुण IIM में अपना प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद कर्नल तारापुर की ही रेजिमेंट 17 पुनाहॉर्थ में कमीशन भी हुए. ये एक टैंक रेजिमेंट था. अरुण अपने आदर्श की तरह अपनी रेजिमेंट के लिए एक परमवीर चक्र जीतना चाहते थे. हालांकि सेना में किसी भी नौजवान अफसर के लिए ऐसे उत्साही सपने देखना एक आम बात है, मगर अरुण को अपने सपने को यथार्थ में बदलने का मौका बहुत जल्द मिल गया. ये सन 71 था और क्षितिज पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे. ऐसे में अरुण की नाव नदी के किनारे की रेत में कुछ फंस सी गई. दरअसल जब अरुण की रेजिमेंट को मूवमेंट ऑर्डर मिला उसी समय अरुण एक यंग ऑफिसर्स कोर्स में नामांकित हुए. ये कोर्स सेना में किसी भी नौजवान अफसर के लिए बहुत जरूरी होता है. इसको किए बिना वे युद्ध में भाग नहीं ले सकते थे और अगर ये कोर्स करने जाते तो वैसे भी युद्ध में भाग न ले पाते. नितांत निराशा से भरे अरुण अपने आंखों में आंसू लिए अपने CEO कर्नल हनुज सिंह से ये निवेदन करने पहुंचे कि उन्हें युद्ध में भाग लेने दिया जाए. कर्नल हनुज सिंह अपने नौजवान अफसर की भावनाओं का आदर करते हुए उन्होंने ये योजना बनाई कि यूनिट में ही एक मिनी कोर्स आयोजित किया जाए और अरुण इस कोर्स को करने के बाद युद्ध में भाग ले सकते. मगर शर्त ये रखी, कोर्स खत्म होने के बाद स्वयं कर्नल हनुज सिंह अरुण की परीक्षा लेंगे. और अरुण ने कर्नल हनुज सिंह की प्रश्न शिलाओं को पिघला दिया और अपने रेजिमेंट के साथ सीमा की ओर कूच किया. 17 पूना हॉर्स की तैनाती पंजाब के शकरग्रह में हुई. यह इलाका कश्मीर के पास है और नक्शे के देखने पर हिंदुस्तान की गर्दन जैसा प्रतीत होता है और इसीलिए सैन्य रणनीति के हिसाब से यह इलाका बहुत महत्वपूर्ण था. 71 के युद्ध को शुरुआत में पाकिस्तानी सेना को इस इलाके में थोड़ी बढ़त मिली, मगर 3 ग्रेनेडियर के मेजर होशियार सिंह की वीरता के चलते पाकिस्तान सेना को अपने कदम पीछे लेने पड़े. अब वो काउंटर अटैक की तैयारी में थे और उसी काउंटर अटैक से रजा हेतु 17 पूना हॉर्स की वहाँ तैनात किया गया. कर्नल हनुज सिंह की रेजिमेंट बसंतर नदी पार करके लैंडमाइंस उखाड़ते हुए आगे बढ़ रही थी तथा पाकिस्तानी टैंक रेजिमेंट 13 लॉन्चर ने उन पर आक्रमण. जब 17 पूना हॉर्स की ब्रेव स्क्वाडन इस आक्रमण के पूरी तरह चपेट में आ गई तो उसके स्क्वाडन कमांडर ने सहायता के लिए मैसेज दिया. पास ही अल्फा स्क्वाडन में अरुण ने जब मैसेज सुना, बिना किसी आदेश की प्रतीक्षा किए उनको सहायता के लिए निकल पड़े. वो अपना टैंक लिए इतनी तीव्र गति से चल रहे थे जैसे मानो वो टैंक नहीं कर्णकार रथ हो और अरुण स्वयं रश्मि रथ थी. जब इस तरह आगे बढ़ रहे इस रथी को पाकिस्तानी सेना ने सब कुछ छोड़कर उस पर टूट पड़े. अरुण भी अभिमन्यु तरह चक्रव्यूह भेदते हुए आगे बढ़ते रहे. उन्होंने अकेले ही पाकिस्तान के कई टैंक नेस्तनाबूद कर दिए, मगर तभी एक गोला आके उनके टैंक को लगा और उनका टैंक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. दूर से इस दृश्य को देख रहे अरुण के स्क्वाडन कमांडर ने जब ये देखा अरुण का टैंक क्षतिग्रस्त हो गया और आगे नहीं बढ़ सकता तो उन्होंने अरुण को वापस आने का मैसेज किया. अरुण ने उनको जवाब दिया कि जब तक मेरे टैंक की तोप काम कर रही है मैं टैंक छोड़कर नहीं जाऊंगा.
अरुण लड़ते रहे और अंत में जब पाकिस्तान का सिर्फ एक टैंक बचा रह गया तो वह टैंक अरुण के टैंक के सामने आगे खड़ा हो गया। दोनों ने एक साथ फायर किया मगर पाकिस्तानी टैंक कमांडर कुर्ती से बाहर निकलकर उसके नीचे छिप गया। अरुण समय रहते टैंक से शहीद हो गए थे। समय रूपी नदी की बाढ़ ने ब्रिगेडियर खेत्रपाल के दिलों के घाटों को भर दिया था। आज वे अपने जन्म स्थान वापस जा रहे थे। पूरा दिन में मिलाप में चला गया और जब लौटने का समय आया तब नासिर ने उनसे कुछ दिन और रुकने का अनुरोध किया। उनके निवास के दौरान वे और नासिर वॉक पर चले गए। बड़ी देर तक दोनों में चुप्पी रही। फिर थोड़ी देर बाद नासिर ने उनसे सवाल किया, आपका बेटा तो हिंदुस्तान में एक आदर्श होगा ना? ब्रिगेडियर खेत्रपाल ने सहमति से अपना सिर हिलाया। नासिर आगे बोले, मैं और अरुण एक दूसरे को नहीं जानते। शहीद हो गए थे। समय रूपी नदी की बाढ़ ने ब्रिगेडियर खेत्रपाल के दिलों के घाटों को भर दिया था। आज वे अपने जन्म स्थान वापस जा रहे थे। पूरा दिन में मिलाप में चला गया और जब लौटने का समय आया तब नासिर ने उनसे कुछ दिन और रुकने का अनुरोध किया। उनके निवास के दौरान वे और नासिर वॉक पर चले गए। बड़ी देर तक दोनों में चुप्पी रही। फिर थोड़ी देर बाद नासिर ने उनसे सवाल किया, आपका बेटा तो हिंदुस्तान में एक आदर्श होगा ना? ब्रिगेडियर खेत्रपाल ने सहमति से अपना सिर हिलाया। नासिर आगे बोले, मैं और अरुण एक दूसरे को नहीं जानते थे मगर उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन हम दोनों अपनी अपनी सेनाओं में अपनी अपने मुल्कों के लिए लड़ रहे थे। मुझे ये आपको बताते हुए खेद है कि आपका बेटा मेरे हाथों शहीद हुआ। ये सुनकर ब्रिगेडियर सुन्न रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस समय वे इस बात पर क्रोधित हो सामने उनके बेटे का हत्यारा खड़ा है या इस बात पर गर्व करें कि उनके बेटे ने शत्रु पर भी गहरी छाप छोड़ी है। ब्रिगेडियर खेत्रपाल युद्ध सेना में रह चुके थे तो युद्ध का मोल जानते थे, इसीलिए बिना कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किए अगले दिन हिंदुस्तान रवाना हो गए। जाने से पहले उन्होंने नासिर और उनके परिवार के साथ कुछ तस्वीरें खिंचवाई। हिंदुस्तान में जाने के कुछ दिनों बाद उनको एक कुरियर मिला। उसमें वो तस्वीरें और साथ में था एक नोट। नोट विद वार्मेस्ट रिगार्ड एट मोस्ट सिंसियरिटी टू ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल फादर ऑफ सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल परमवीर चक्र हु स्टूड लाइक अ रॉक बिटवीन विक्ट्री एंड फेलियर ऑफ द काउंटर अटैक लेड बाय द स्पीयर हेड्स 13 लांचर्स ऑन 16 डिसंबर 1971 इन द बैटल ऑफ बसंतर एट 17 पूना हॉर्स रिमेंबर्स साइंड ख्वाजा मोहम्मद नासिर 13 लांचर्स 2 मार्च 2001 लाहौर पाकिस्तान। थैंक यू।